सिविल सेवा परीक्षा को भारत में शीर्ष परीक्षा के रूप में जाना जाता है। सिविल सेवा परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और सर्वश्रेष्ठ भत्ते भी मिलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के साथ साथ केंद्र सिविल सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए UPSC प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। वहीं उम्मीदवारों और कोचिंग केंद्रों ने सिविल सेवा परीक्षा के विषय में विभिन्न मिथ को फैला रखा है। इन मिथ का IAS उम्मीदवारों पर काफी प्रभाव पड़ता है और इन मिथ्स के चलते उनके प्रयास और प्रदर्शन प्रभावित होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करेंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। मिथक एक, सिविल सेवा परीक्षा सबसे कठिन है। यह निश्चित रूप से सत्य नहीं है। हर परीक्षा को सही रणनीति और दृष्टिकोण के साथ पास किया जा सकता है। यह सच है कि सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और परीक्षा प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परीक्षा सबसे कठिन है। हम यह कह सकते हैं कि IAS परीक्षा का सिलेबस अपनी ब्रॉडनेस के चलते बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन IAS परीक्षा के सिलेबस की भी कुछ सीमाएं हैं ताकि इसे समय पर कवर किया जा सके और IAS की तैयारी प्रभावी तरीके से हो सके। मिथक दो, IAS उम्मीदवारों को दिन में 15 से 20 घंटे अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। यह IAS उम्मीदवारों के बीच सबसे आम मिथक है। IAS परीक्षा के टॉपर्स और IAS परीक्षा की तैयारी से संबंधित शिक्षक IAS परीक्षा को पास करने के लिए दिन में 8 घंटे अध्ययन करने का सुझाव देते हैं, लेकिन इन 8 घंटों का अध्ययन बहुत ही केंद्रित तरीके से और सर्वोच्च अध्ययन सामग्री के साथ होना चाहिए। हमारे पास विभिन्न उदाहरण हैं जहां पर अभ्यर्थियों ने अपने फुल टाइम जॉब के साथ IAS परीक्षा में सफलता पाई है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि IAS परीक्षा को पास करने के लिए प्रतिदिन 15 से 20 घंटे अध्ययन करने का नियम है। मिथक तीन, IAS उम्मीदवारों को सब कुछ पता होना चाहिए। यह एक लोकप्रिय धारणा है कि IAS अधिकारी को हर चीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। सबसे पहला तथ्य यह है कि UPSC ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपना पाठ्यक्रम को परिभाषित किया है, जिससे IAS परीक्षा की तैयारी में अनुसरण किया जा सके। किसी भी विषय का महत्व हमारे राष्ट्र और समाज के लिए महत्व के आधार पर तय किया जाता है। कुछ मानक पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से हम UPSC पाठ्यक्रम को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। UPSC अपनी आधिकारिक अधिसूचना में यह निर्धारित करता है कि IAS अभ्यर्थी दिए गए हर विषय की सामान्य जानकारी रखता हो और वैचारिक स्पष्टता के साथ साथ वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में भी जानता हो। विचारपूर्ण यह है कि IAS एक सामान्य सेवा है और UPSC को पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी विषयों और विषयों के केवल सामान्य समझ की आवश्यकता होती है, तो अभ्यर्थी को एक विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, बस एक वास्तविक शिक्षार्थी होने की आवश्यकता होती है। मिथक चार, आपको अपने विद्यार्थी जीवन में मेधावी छात्र होना चाहिए। यह भी एक बहुत ही सामान्य मिथक है कि एक IAS अभ्यर्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में अव्वल रहने की आवश्यकता है, लेकिन सत्य यह नहीं है। विभिन्न IAS टॉपर ऐसे रहे हैं जो अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान एक औसत छात्र थे। हमारे पास विभिन्न उदाहरण हैं। यहाँ तक कि एक IAS तो 9वीं कक्षा में फेल हो गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास एक गौरवशाली और सफल विद्यार्थी जीवन था या नहीं। इस परीक्षा में केवल इस परीक्षा के अंकों की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिसूचना में डिग्री परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत की आवश्यकता नहीं होती है। मिथक पाँच, IAS परीक्षा के लिए दर्जनों किताबें पढ़नी होती है। IAS उम्मीदवारों को IAS परीक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है और विषय या विषय में पोस्ट ग्रेजुएट बनने की आवश्यकता नहीं होती। यह परीक्षा विषयों की वैचारिक स्पष्टता और अभिव्यक्ति की स्पष्टता का परीक्षण करती है, क्योंकि केवल अवधारणाओं और सिद्धांतों को लागू करने से ही समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्राप्त किया जा सकता है। सभी IAS टॉपर और शिक्षक प्रत्येक विषय के लिए एक मानक पुस्तक पढ़ने का सुझाव देते हैं और पुस्तकालय ना बनाने का सुझाव भी देते हैं।
किसी भी विषय पर समस्त पुस्तकें नहीं खरीदनी चाहिए, बल्कि कुछ अच्छी पुस्तकें ही सहायक होंगी। मिथक 6, कोचिंग करना आईएएस परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक है। यह भी सच नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग होती है और एक ही विषय और विषय से संबंधित सेक्शन की भी अलग अलग समझ होती है। हर साल ऐसे कई आईएएस टॉपर्स होते हैं जिन्होंने कभी भी किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। आजकल इंटरनेट सेवाओं के विस्तार की वजह से विभिन्न स्रोत उपलब्ध हो गए हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशन से घर बैठे भी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री मिल जाती है। कोचिंग लेने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि घर से दूर रहना, भोजन की सुविधा और अन्य चीजें जिनके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। मिथक 7, केवल अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवार ही आईएएस बन सकते हैं। यह हिंदी मीडियम के उम्मीदवारों के बीच बहुत ही प्रचलित भ्रांति है कि केवल अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवार ही आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हिंदी माध्यम के उम्मीदवार भी आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं और आईएएस अधिकारी के रूप में अपनी पोस्टिंग प्राप्त कर रहे हैं। आईएएस परीक्षा को पास करने में उत्तर लेखन के माध्यम का नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्पष्टता और सामाजिक आर्थिक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान का दृष्टिकोण होना चाहिए। हालांकि आईएएस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों में अंग्रेजी माध्यम का अनुपात ज्यादा है। इसका एक कारण यह है कि इस परीक्षा के लिए ज्यादा अंग्रेजी अध्ययन सामग्री का होना। मिथक 8, आईएएस भारत में सबसे अच्छी नौकरी है। यह एक स्थापित धारणा है कि आईएएस किसी भी अन्य नौकरी की तुलना में भारत की सबसे अच्छी नौकरी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वेतन और भत्तों के संदर्भ में यह सबसे अच्छी नौकरी नहीं है और निजी क्षेत्र में एक आईएएस अधिकारी की तुलना में बेहतर वेतन और भत्ते वाले विभिन्न अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आईएएस को ग्रामीण क्षेत्रों में और कई बार तो सूखे की आकांक्षा वाले क्षेत्रों में पोस्टिंग मिल जाती है, जहां कोई सुविधा नहीं होती। लेकिन निजी क्षेत्र की नौकरी के मामले में हमेशा ही महानगर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट पर भी पोस्टिंग मिल जाती है। आसमी ट्रांसफर भी इस सेवा की बहुत ही सामान्य सी बात है, जिसके कारण किसी एक शहर में अपना घर बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मिथक 9, एक डीएम एक जिले का बॉस होता है। जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम जिले के प्रमुख कोऑर्डिनेटर है, जो विभिन्न अधिकारियों को बैठक और परामर्श के लिए बुलाते हैं और अन्य विभागीय अधिकारियों की मदद से समावेशी और सभी की सहमति से योजना भी बनाते हैं। सभी राज्य सरकार के विभागों के लिए एक एसडीएम केवल एक समन्वय अधिकारी होता है। आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस अधिकारियों जैसे विभिन्न जिला पदाधिकारियों पर उनका कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। यहाँ तक कि राज्य सरकार के अधिकारी अपने स्वयं के श्रेष्ठ को रिपोर्ट करते हैं, जो उनकी प्रदर्शन रिपोर्ट लिखते हैं। डीएम को केवल अन्य सरकारी अधिकारियों पर ढील नियंत्रण प्राप्त है। मिथक 10, आईएएस अधिकारियों को सेवा से नहीं हटाया जा सकता है। हमारे देश में भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है और इससे संबंधित नियम और प्रक्रिया संविधान में भी लिखी है। आईएएस भी इसका अपवाद नहीं है। एक आईएएस अधिकारी को भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा एक निर्दिष्ट तरीके से निलंबित किया जा सकता है। उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा सेवा से हटाया भी जा सकता है। हाल के एक मामले में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे जो अनिवार्य रूप से भारत सरकार द्वारा सेवा से रिटायर किए गए हैं। आईएएस अधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया लगभग भारत सरकार के किसी अन्य ग्रुप ए अधिकारी के सामान्य है। हर साल कई आईएएस अधिकारियों को विभिन्न कारणों से निलंबित, गिरफ्तार और सेवा से हटा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022।
IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSAT के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज ही ऑर्डर करें।